इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पूज्य पिताजी स्वर्गीय सेठ श्री नत्थीलाल जी जायसवाल एवं माता श्री स्वर्गीय श्रीमती सरस्वती जैन जायसवाल की पुण्य स्मृति में श्री मनोज श्रीमती नेहा प्रज्ञम एवं राशि, श्री आशीष श्रीमती रोजी अर्चिशा धनिषा एवं परी जैन, संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज गुरु भक्त समस्त जायसवाल परिवार इंदिरा विहार कोटा राजस्थान। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय, समस्त आचार्य संघ की जय। गुरु हमारे तो सबसे प्यारे हैं, चरणों में गुरु जी के हम रहने आए हैं, गुरु की पूजन हम सब करने आए हैं। गुरु हमारे तो सबसे प्यारे हैं, आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना, माता जिनकी जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाता, जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय करे। ओम रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय अत्र अवतर अवतर संभो सट आवानन, जय हो जय हो जय हो, अत्र तिष्ठ स्थापनम, जय हो जय हो जय हो, अत्र मम सन्नितो भव भव वसत सन्निधि करणम। परिपुष्पांजलि छिपामि पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग देश की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया, तब बिंदा सिंधु के जल कण से भव काल उस धोने आया, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरपामिति सहा, क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर से भुलाया है, चंदन सम शीतल ता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, जड़ को ना मैंने जड़ समझा नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने से भ्रम और जगत का भटकाना, चरणों में अर्पित अक्षय है अक्षय पद मुझको मिल जाए, तब ज्ञान अरुण की किरणों से हृदय कमल भी खिल जाए। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय अक्षय प्रप्राप्ताय अक्षतान निरपामिति सहा, इस विषय भोग की मदिरा पी में बना सदा से मतवाला, कृष्णा को तप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा जान, मैं काम भाव विध्वंस गुरु मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, ये मदन विजेता बन न सके ये भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निरपामिति सहा, इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति भक्ष्य अभक्ष्य भके फिर भी मन तप्त नहीं कर पाया हूँ, नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरपामिति सहा, मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग देश में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना, यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निरपामिति सहा, इस अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपना नाता, शुभ अशुभ कर्म सब रिफुदल है मैंने जलाने आया हूँ, इसलिए गुरु के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निरपामिति सहा, भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोगी बना डाला, साधे और साधक
चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिनके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिन्द्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निरपामिति। सहा जग के वैभव को पाकर के निस दिन कहके चारों गतियों की ठोकर को खाने में भी अव्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता देष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्ग पद पा जाऊँ, ये भक्ति भावना भाता है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिन्द्राय अनर्पण प्राप्ताय अर्घम निरपामिति। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन कर, अर्घ भेंट ने लाया हूँ, हे तपो मूर्ति हे आराधक, हे योगीश्वर हे महासंत, हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। सांस कुर की होती है जीते हम सब है, आशीष की छैया में हम सब पलते हैं। श्वास गुरु की होती है जीते हम सब हैं, आशीष की छैया में हम सब पलते हैं। गुरु की पूजन हम सब करने आए हैं, गुरु हमारे तो सबसे प्यारे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिन्द्राय जय माला पूर्णार्घम निरपामिति। नमोस्तु भगवन् नमोस्तु भगवन् नमोस्तु भगवन्। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जहाँ तक मोक्ष मार्ग है, लोगों की धारणा है बहुत कठिन है। हम लोगों के वश की बात नहीं है। धुरंधर ज्ञाता दृष्टा जो होते हैं वही इसको पा सकते हैं, बाकी हमारा नहीं। किंतु ये भूल भरी बात है, क्योंकि मुझे यदि बोलना नहीं आता है तो मोक्ष मार्ग कहता है कोई बात नहीं। दूसरों की आलोचना करने के विषय में आप कुछ भी नहीं बोलो तो मोक्ष मार्ग आपका दूसरों की आलोचना सुनने के अपेक्षा से अपने पास कान नहीं भी हो चल जाएगा। और क्या है आप लोगों के पास? मन को सोचने के लिए। मन के द्वारा सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत कठिन है। आप सोचना ही बंद कर दो, कौन पूछने वाला है आपको? ये सोचने से ही मार्ग गड़बड़ हो रहा है। फिर भी हम सोचते ही रहते, कुछ भी तो नहीं आता और सोचते कैसे वो बताओ। यही है, दूसरे के बुराई के बारे में ही सोचते हैं। तो इस प्रकार यदि नहीं सोचेंगे तो आप प्रथम श्रेणी में मोक्ष मार्ग में आ जाएंगे।
इस प्रकार मान लो हाथ है लेकिन बहुत गड़बड़ करता है, दूसरे को चाटा दे देता है, वो करता ये करता है, ठीक है, ऐसा कर लेना, इस हाथ से काम ही नहीं देना और हाथ के ऊपर हाथ रख कर के बैठ जाओ तो ये हाथ अपने आप तो उठेगा नहीं। यदि आप कुछ गलती करके आ गए हैं, हाथ पर हाथ बैठ करके बैठ जाओगे तो सामने वाला आएगा, एक मान लो गाल के ऊपर थप्पड़ दे देता है तो बिना बोले गांधी जी बन जाओ, तो आप संसार में प्रसिद्ध हो जाओगे। उनके पीछे महात्मा लगाने लगे, उनको मैं हूँ बस इतना ही, महात्मा मैं नहीं हूँ। इसीलिए तो लोग आपको महात्मा कहते हैं, आप अपने आप को महात्मा नहीं मानते हैं, इसीलिए आपको दुनिया महात्मा कहते हैं। इस प्रकार आप इन इंद्रियों के द्वारा और मन के द्वारा बुरी चीज़ों का विसर्जन करो, मोक्ष मार्ग आपको ढूंढता हुआ मिल जाएगा। अहिंसा परमो धर्म की